सुमेंद्र मौर्य चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलती रहे। फ्रेंड, आप कैसे किसी भी बैंक के स्विप कोड को ढूंढ सकते हैं और इसकी जरूरत कब होती है? तो जैसे कि आप अगर एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए ये बहुत ही मायने रखता है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि आपको स्विप कोड की तब जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपने यूट्यूब का अपना चैनल खोला है और जब आपका मोनेटाइजेशन होने के बाद जब आपका पेमेंट जब कंप्लीट होता है $100, उसके बाद आपको यहाँ पर जब आपका पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होने के लिए आपको वहाँ पर स्विप कोड की ज़रूरत होती है। तो जब आपका जो पेमेंट आना होता है वो बैंक के जरिए ही आता है, वहाँ से आपको डॉलर में और इंडियन में कन्वर्ट होता है तो वो आपके ही बैंक में आता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपकी जो ब्रांच मेन ब्रांच है तो वहाँ पर आपको जिस ब्रांच का कोड होता है, जैसे कि स्विप कोड होता है, जब आप अपना अकाउंट नंबर गूगल एडसन पर ऐड करते हैं तो वहाँ पर आपके लिए स्विप कोड भी मांगता है। तो फ्रेंड, आपको जब स्विप कोड की ज़रूरत होती है तो आप बैंक जाते हैं, तो बैंक आप जाकर वहाँ से स्विप कोड मांगते हैं और आपको स्विप कोड नहीं मिलता है, आपको काफ़ी परेशान किया जाता है और वहाँ से आपको मांगने के बाद कई बार आपको जाना पड़ता है, नहीं मिल पाता है और आपको काफ़ी दिक्कत होती है जिस कारण आपका पेमेंट वगैरह रुक जाता है। तो आप चाहते हैं कि आपको जो स्विप कोड है वो बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो, तो वो आपको कैसे हो सकता है तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा और आप बहुत ही आसानी से ही स्विप कोड को यहाँ पर ले सकते हैं और डायरेक्टली आप अपने जब अकाउंट ऐड करेंगे गूगल एडसन में तो वहाँ पर आप उसे ऐड कर सकते हैं और आपकी पेमेंट आ जाएगी और रुकेगी नहीं। तो उसके लिए जैसे स्विप कोड होता क्या है, जैसे कि आपकी जो ब्रांच होती है जिस बैंक का आपने अकाउंट नंबर देंगे तो वहाँ पर क्या होता है, किसी किसी बैंक का अपना स्विप कोड नहीं होता है क्योंकि वो जो बड़ी ब्रांच होती हैं तो उनसे ब्रांच ऐड होती है तो उन्हीं का ही स्विप कोड होता है। अगर आपको ये चीज़ ध्यान रहे, आप जैसे कि जिस बैंक में जा रहे हैं उसका स्विप कोड नहीं है तो आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो बैंक है वो बड़ी ब्रांच से ऐड है तो आप उनसे कहिए कि आप हमें उस बैंक का स्विप कोड दे दीजिए, आपका उससे भी काम हो सकता है। तो अगर आपको ये चीज़ें भी नहीं मिल पा रही, इस तरह से भी आपको स्विप कोड नहीं मिल पा रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो मैं आप बताऊँगा तो आपको उस तरह से आपको स्विप कोड मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई दिक्कत आती है तो डायरेक्ट नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको करना क्या है, अगर आप मोबाइल चलाते हैं या कंप्यूटर चलाते हो तो आप इंटरनेट भी यूज करते होंगे तो आपको इंटरनेट ऑन कर लेना है अपने मोबाइल का या कंप्यूटर का और उसके बाद आपको ब्राउज़र में चले जाना है और वहाँ पर आपको डायरेक्टली यहाँ पर गूगल सर्च बार का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है। तो यहाँ पर आपको सर्च बार का ऑप्शन मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, आपको यहाँ पर टाइप करना है IFSC और यहाँ पर इसके बाद आपको लिखना है स्विफ्ट, ठीक है, स्विफ्ट और कोड्स, ठीक है, codes.com, ठीक है। यहाँ पर इतना टाइप करने के बाद आपको एंटर मार देना है और एंटर करने के बाद आप डायरेक्टली साइट पर आ जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, और जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ मेनू दिखाई दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर स्विफ्ट कोड पर क्लिक करना है और जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं आप प्रोसेस हो रहा है। तो इसके बाद क्लिक करने के बाद फ्रेंड कुछ इस तरह से यहाँ पर पेज खुल जाएगा और पेज खुलने के बाद आपको यहाँ पर जो भी एशिया का पूरा एरिया यहाँ पर दिखा रहा है तो आप फ्रेंड आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा और आपका जो भी कंट्री पड़ता है आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कंट्री एक सिलेक्ट कर ली, सिलेक्ट करने के बाद कंट्री सिलेक्ट हो जाएगी आपकी तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आपको सिलेक्ट बैंक नेम, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट बैंक नेम पर क्लिक करना है तो आपको जिस बैंक का यहाँ पर सिलेक्ट करना है तो उस बैंक को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक बैंक सिलेक्ट कर लिए और बैंक सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर स्टेट नेम पूछेगा तो आपको स्टेट नेम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर स्टेट नेम अभी आपका प्रोसेस हो रहा है ऊपर, अब इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है तो आपका स्टेट आपको नेम ले लेना है जो भी आपकी स्टेट पड़ती है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, स्टेट ले ली। अब स्टेट के बाद आपको यहाँ पर जब ये प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद आपको सिटी नेम लेना है तो सिटी नेम पर आपको क्लिक करना है तो सिटी नेम जो भी है आप ले लेंगे और सिटी नेम को लेने के बाद आपको यहाँ पर उसके बाद मांगेगा ब्रांच नेम, तो ब्रांच नेम पर आपको क्लिक करना है, जहाँ की भी आपकी ब्रांच है तो आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप ब्रांच पर क्लिक कर देंगे तो आप ये चारों चीज़ें जब सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपका कुछ इंटरफेस अलग तरह से खुलेगा।
तो इसको प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। तो जैसे कि आपको स्विप कोड चाहिए, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं ये स्विप कोड, तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो आपको जिस ब्रांच का चाहिए तो यहाँ पर डायरेक्टली आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्विप कोड दिख रहा है और उस बैंक का जिसको आपको चाहिए, तो इसी तरह से आप कोई सी भी बैंक का, किसी भी कंट्री का आप डायरेक्टली यहाँ से स्विप कोड ले सकते हैं। स्विप कोड के साथ साथ आप डायरेक्टली यहाँ से IFSC कोड भी ले सकते हैं। आपको MICR कोड भी, BSR कोड भी मिल जाएगा, और जिप और पिन कोड्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप जो भी कोड लेना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको स्विप कोड के बारे में बताया, तो आप स्विप कोड को यहाँ से ले सकते हैं। तो आपको किसी भी बैंक जाने की जरूरत नहीं है, बगैर बैंक के भी आप डायरेक्टली यहाँ पर उसको लेके आप यहाँ पर लगा सकते हैं, और आपको जो पैसा है गूगल एडसन अकाउंट में, वो डायरेक्टली आप जब इसे अकाउंट नंबर के साथ ऐड कर देंगे स्विप कोड, तो आपको बहुत ही आसानी से आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ साथ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।